प्यारे बच्चों, हमने एक छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन लिख रहे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर वन है, प्रश्न नंबर जैसे दिया हो प्यारे बच्चों, ए अनुपात बी बराबर दो अनुपात तीन है, तो और बी अनुपात सी चार अनुपात पांच है, तो सी का मान बताइए, मान बताइए प्यारे बच्चों। ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं जो कि आप सब लोग भी बना लोगे, परंतु हमने छोटा इसलिए लिए हैं कि लोगों को समझ में आ जाए जब हम आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न सॉल्व कराए प्यारे बच्चों। मुझे क्या करना है, ए और सी का मान ज्ञात करना प्यारे बच्चों। मुझे लिखना है ए बी सी प्यारे बच्चों, देखना ए अनुपात बी कितना है, दो अनुपात तीन, तो यहाँ पर दो अनुपात तीन, फिर कह रहा है बी अनुपात सी कितना प्यारे बच्चों, चार बी यहाँ पर है और सी कितना प्यारे बच्चों पांच। देखिए प्यारे बच्चों, सी का स्थान खाली हुआ प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, बी वाला सी पर आ जाएगा प्यारे बच्चों, बी वाला सी पर आ जाएगा और अभी यहाँ ए प्यारे बच्चों खाली है, तो बी वाला ए पर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे दो चौको आठ, तीन चौक बारह, तीन पचे पंद्रह प्यारे बच्चों, कह रहा ए और सी लिख सकते हैं, ए अनुपात सी बराबर ए की वैल्यू कितना प्यारे बच्चों आठ है और सी कितना प्यारे बच्चों पंद्रह, हमारा आंसर प्यारे बच्चों यही होगा। आइए हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न कह दी सी में ए अनुपात बी अनुपात सी प्यारे बच्चों है, बी अनुपात सी दो अनुपात तीन अनुपात चार है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए, मान बताइए क्या। हम क्या करेंगे, हम उसी तरह लिखेंगे, यानी कि ए बी सी ए की वैल्यू प्यारे बच्चों दो है, यहाँ पर दो लिखेंगे, बी का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों तीन है तो तीन लिखेंगे, और सी का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों चार है। हम इसको एलसीएम बीस से भी लगा सकते हैं, देखिए एलसीएम बीस प्यारे बच्चों दो तीन चार का एलसीएम प्यारे बच्चों बारह होगा, कितना का प्यारे बच्चों बारह, तो दो छक्का बारह, चार तिया बारह, तीन चौक बारह प्यारे बच्चों, तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी छह अनुपात चार अनुपात तीन अनुपात प्यारे बच्चों, हमारा आंसर यही होगा। आइए यही सवाल प्यारे बच्चों हम अलग विषय लगाते हैं प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है, अगर हम एलसीएम न ले प्यारे बच्चों तो ढक ढकिया रूल अपनाना प्यारे बच्चों, हम ए को ढकेंगे तीन और चार से गुणा करेंगे, तीन चौक बारह, यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों बारह, अब तीन को ढकेंगे तो दो और चार गुणा करेंगे तो दो चौको आठ प्यारे बच्चों अनुपात है, चार को ढकेंगे प्यारे बच्चों तीन दुना छह प्यारे बच्चों, अब इसको काट दीजिए दो से दो छक्का बारह, दो चौको आठ, दो तीन छह प्यारे बच्चों, ए बी सी का मान हमारा आ गया प्यारे बच्चों। आइए हम एक प्रश्न और लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों कह दे यानी कि थ्री ए बराबर फोर ए फोर बी बराबर थ्री सी है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए, सी का
मान बताइए प्यारे, मान बताइए प्यारे। अब हम क्या करेंगे, लिखना कर बच्चों ए बी सी प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। जो ए की वैल्यू है हमारा तीन, वही होगा प्यारे बच्चों। यहाँ तीन लिख देंगे और यहाँ चार लिख देंगे और हम यहाँ प्यारे बच्चों तीन लिख देंगे। आप इसको एलसीएम बीस से भी बना सकते हैं, एलसीएम बीस लेंगे प्यारे बच्चों, हो जाएगा बारह। तीन से बारह काटेंगे, तीन चौक बारह, चार तीन बारह, तीन चौक बारह प्यारे बच्चों। ए बी सी का मान हमारा आ गया चार तीन, यानी कि चार अनुपात तीन अनुपात दो प्यारे बच्चों। अब इसको हम ढकिया रूल से अपना बना सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या करना है देखिए, क्या करना है, तीन को ढकेंगे, तीन चौक बारह प्यारे बच्चों, बारह लिखेंगे और चार को ढकेंगे, तीन तरीका नौ प्यारे बच्चों, नौ हो गया। अब तीन को ढकेंगे प्यारे बच्चों, चार तीन बारह, बारह हो गया प्यारे बच्चों। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तीन से, तीन चौक बारह, तीन तरीका नौ, तीन चौक बारह प्यारे बच्चों। आइए हम एक प्रश्न और देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अगर कह दे एक बटा आठ, एक बटा आठ प्लस एक बटा दो प्लस एक बटा सोलह का मान बताइए प्यारे बच्चों, का मान बताइए प्यारे बच्चों। क्या करना है प्यारे बच्चों, हमने क्या क्या है, सॉरी देखिए दिशा देखिए प्यारे बच्चों, जैसे लिख दिया जाए एक बटा तीन अनुपात है, एक बटा चार अनुपात है, एक बटा बारह अनुपात है, का अनुपात ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम एलसीएम बीस से ही बनाएंगे प्यारे बच्चों, ना कि ढकढकिया रूप रूल अपनाएंगे प्यारे बच्चों। एलसीएम से मुझे जल्दी प्रश्न सॉल्व होगा प्यारे बच्चों। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम 12 होगा। अब 12 को हम 3 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों, यानी हो जाएगा 12 बटा 3 अनुपात 12 बटे 4 अनुपात 12 बटे 12 प्यारे बच्चों। काट देंगे, ये हो जाएगा 4 3 12, 3 4 12, 12 के 12 प्यारे बच्चों। हमारा आंसर 4 अनुपात 3 अनुपात एक होगा प्यारे बच्चों। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे प्यारे बच्चों कह दे ए अनुपात बी बराबर तीन अनुपात चार, और कह दे बी अनुपात सी दो अनुपात छ, और प्यारे बच्चों कह दे सी अनुपात डी, यानी सी अनुपात डी, यदि चार अनुपात तीन है तो एसी का मान ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, एसी का मान ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। क्या करना है, हम वही रूल अपनाएंगे जैसे ए बी सी डी प्यारे बच्चों। ए बी का रेशियो कितना दिया प्यारे बच्चों, तीन अनुपात चार, तो तीन अनुपात चार। बी सी का रेशियो कितना दिया प्यारे बच्चों, दो अनुपात छह, यहाँ पर दो अनुपात छह। और सी डी के अनुपात कितना दिया प्यारे बच्चों, चार अनुपात तीन, तो सी का अनुपात कितना दिया प्यारे बच्चों, यानी कि चार, और डी का अनुपात कितना दिया प्यारे बच्चों, तीन प्यारे बच्चों। हमने क्या कहा प्यारे बच्चों, जो स्थान खाली होगा उसके सामने वाला खिसक जाएगा प्यारे बच्चों। सी पे खाली प्यारे बच्चों, ये चार यहाँ आ जाएगा, डी पे खाली प्यारे बच्चों, ये चार यहाँ आ जाएगा, ए पे खाली प्यारे बच्चों, दो यहाँ आ जाएगा,
छह के सामने डीप खाली प्यारे बच्चों छह यहाँ आ जाएगा, चार के सामने बी खाली प्यारे बच्चों चार यहाँ आ जाएगा, चार उठकर यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब मुझे निकालना है प्यारे बच्चों ए अनुपात सी, ए अनुपात सी निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, छह दूनी बारह और बारह चौक अड़तालीस, सॉरी प्यारे बच्चों तीन दूना छह, छह चौको चौबीस, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों चौबीस, ये हमारा ए हो गया। और सी कितना प्यारे बच्चों, छह चौको चौबीस, चौबीस चौके प्यारे बच्चों चौबीस चौके, चार चौक सोलह, चार दूनी आठ एक नौ, छियानवे प्यारे बच्चों। तो हमारा अनुपात क्या हो गया, चौबीस अनुपात छियानवे प्यारे बच्चों। अगर प्रश्न बोले कि ए बी सी डी सबका मान ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, सबको गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों, क्या रेल हुए ऐसा प्रश्न पूछेगा, नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों। अब हम मिलते हैं अगले दिन, जय।